इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है आपके स्कूल के, कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करें आइसोथर्मल प्रोसेस ने, जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। तो मान लें आपका पिस्टन पहले यहाँ पर था, पी वन वी वन से पी टू वी टू पे, रास्ते में स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है ताकि प्रेशर सेम है और वॉल्यूम का स्मॉल चेंज कितना है, डीवी। तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन या वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पी डीवी की इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन से वी टू। ये मैंने आपको करा दिया था अभी, टोटल अमाउंट अगर वर्क डन निकालना है, पहले छोटा वर्क डन आएगा, फिर इंटीग्रेशन करके वी वन से वी टू टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है और वर्क डन 1 मोल का निकल रहा है, तो पी वी इज इक्वल टू 1 RT। यहाँ से पी की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आर कॉन्स्टेंट है और टी कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल में, तो वी चेंज हो रहा है। वी 1/V की इंटीग्रेशन मैथ्स में क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ वी किया था हमने, 1/x log x होता है, 1/V log V होता है। कहाँ से कहाँ, वी वन से वी टू। एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर लिया। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये नेचुरल लॉग है। इस लॉग को अगर आपने टू दी बेस 10 बनाना है, याद रखना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ये मैथ्स का रूल है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस 1 मोल ऑफ गैस के लिए। क्लियर है यहां तक? तो 1 मोल के लिए फॉर्मूला याद करना, और क्योंकि 1 मोल के लिए पी वन वी वन पी टू वी टू, तो यहां से वी टू बाई वी वन इज पी वन बाई पी टू, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू। तो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस 1 मोल के लिए। अगर 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो आप एक काम करें, इसको कैपिटल एम से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, ऑटोमेटिकली 1 ग्राम ऑफ गैस का वर्क डन आ जाएगा। वैसे 1 मोल का आता है, अगर एन मोल्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रिजल्ट क्लियर है कि वर्क डन की वैल्यू कैसे निकलेगी इन आइसोथर्मल प्रोसेस।